चलिए बात सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा के जापान दौरे के। निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग निदेशक मंडल के सदस्य काजुहिरो कोशिकावा की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा के साथ जापान के टोक्यो में। ये मुलाकात रही निप्पॉन स्टील निमराड़ा में जापानी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद सीएम बिजलाल शर्मा ने साझेदारी बढ़ाने और राजस्थान में निवेश को लेकर चर्चा की और ये बेहद खास मुलाकात मानी जा रही है। आज मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा की मैराथन बैठकें रहेंगी। टोक्यो में राइजिंग राजस्थान रोड शो का आयोजन होगा। करोड़ों रुपए के एमओयू होंगे। इससे पहले हमने आपको दक्षिण कोरिया की तस्वीरें दिखाई थी। बेहद अहम दौरा वो रहा। सियोल में मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा का महत्वपूर्ण सेशन रहा। जो विजिट उन्होंने हाई स्कूल में किया वो भी बेहद खास रहा। और अब जापान के टोक्यो की तस्वीरें जरा देखिए। राइजिंग राजस्थान रोड शो का आयोजन होना है। करोड़ों रुपए के एमओयू होने हैं। लगातार मैराथन बैठकें होनी है और ये बेहद खास मुलाकात उससे पहले की मानी जा रही है। और साझेदारी बढ़ाने राजस्थान में निवेश को लेकर चर्चा जिसे लेकर ये विदेश दौरा है। आपको यहां जानकारी दे दें कि निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग के निदेशक मंडल के सदस्य काजुहिरो कोशिकावा के साथ मुखिया की मुलाकात। निप्पॉन स्टील निमराड़ा में जापानी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद है। हम राजस्थान के निमराड़ा की ही बात कर रहे हैं और निप्पॉन स्टील कितना महत्वपूर्ण और ये निवेश कितना खास हो सकता है इसे समझने के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान का रुख करेंगे। ऐश्वर्य विस्तार से इस मुलाकात के बारे में जरा जानकारी दीजिएगा। दूसरा आज मैराथन बैठकें होनी है। करोड़ रुपए के एमओयू भी होंगे। विस्तार से बताइए। पूनम मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा दक्षिणी कोरिया के दौरे के बाद सीधे जापान पहुंचे हैं और जापान में कल मुख्यमंत्री का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। प्रवासी राजस्थानियों के ग्रुप ने भी स्वागत किया और सिमी जॉर्ज करके जो वहां पर राजदूत हैं सिमी जॉर्ज उन्होंने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनसे शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मंत्रणा भी की। मुख्यमंत्री के साथ प्रेमचंद बैरवा शिखर अग्रवाल अजिताभ शर्मा और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद हैं। आज सुबह जो मुख्यमंत्री की मीटिंग्स हुई हैं उनमें काई ग्रुप के उपाध्यक्ष ताकेशी मिजुतानी काई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश पंड्या और कंपनी के अन्य अधिकारियों ने जापान में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली है और काई ग्रुप अलवर के निमराड़ा में जापानी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद जापानी निवेशकों में से काई ग्रुप एक है और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी वहां है और मुख्यमंत्री ने साथ में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया और राजस्थान में नए निवेश के अवसरों पर चर्चा की। निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग के निदेशक मंडल के सदस्य काजुहिरो कोशिकावा ने आज टोक्यो जापान में ही मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात कर ली है। निप्पॉन स्टील अलवर के निमराड़ा में जापानी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद जापानी निवेशकों में से एक है और उनके अलावा अन्य जो बैठकें हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक है बैठक कहें या रोड शो कहें जो भी कहें लेकिन रोड शो जो है वो महत्वपूर्ण होना है क्योंकि इस रोड शो में आज वाला जो रोड शो है इस रोड शो में कई निवेशक आएंगे। वो राजस्थान सरकार का विजन क्या है उसे सामने से अच्छे से जानेंगे जहां खुद मुख्यमंत्री समझाएंगे शिखर अग्रवाल समझाएंगे अजिताभ शर्मा पूरा ब्रीफ करेंगे। फिल्म के जरिए एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। फिल्म प्रेजेंटेशन के अलावा यहां पर निमराना डे सेलिब्रेशन भी किया जाएगा क्योंकि वहां पर अलग से जापानी जोन है और निमराना डे सेलिब्रेशन के अलावा यहां पर वन टू वन मीटिंग्स के दौर चलेंगे। मुख्यमंत्री आज दिन भर लगातार बैठकों में व्यस्त रहेंगे और देर रात सिमी जॉर्ज हैं उनकी तरफ से डिनर का आयोजन भी किया गया है। पूनम चलिए ठीक है आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए ऐश्वर्या आपका।